हेलो दोस्तों, आजकल एक बहुत अच्छी बात चल रही है, बहुत ही मजेदार ट्रेंड चल रहा है ध्यान का और अध्यात्म का। जिसको देखो वो ध्यान कर रहा है, कहीं ध्यान की क्लास में जा रहा है, कहीं पर ध्यान के कोर्स कर रहा है या समर कैंप कर रहा है, और हर कोई आजकल आध्यात्मिक हो रहा है। आध्यात्मिक बनना भी आजकल एक ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया है। एक्चुअली जो लोग पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा ज़्यादा मंदिर वगैरह जाते हैं, वो धार्मिक जो लोग होते हैं वही समझते हैं कि हम आध्यात्मिक हुए हैं। एक्चुअली धार्मिक और आध्यात्मिक के बीच का मैं अंतर आपको समझा दूं। धार्मिक यानी कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी भी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को आप धार्मिक कह सकते हैं। और आध्यात्मिक वो होता है जो इन धर्मों की परंपरा से थोड़ा और ऊपर चला जाता है और वो स्वयं को जानने की राह में चल पड़ता है, यानी कि स्वयं की खोज में चल पड़ता है, उस व्यक्ति को आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक शब्द का ही मतलब होता है अधि आत्मिक, यानी कि आत्मा की ओर, जो आत्मा की ओर अपना ध्यान लगा लेता है वो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। तो धर्मों से उसका कुछ ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, लेकिन आजकल ट्रेंड इतना ज़्यादा चल गया है कि हर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहता है, दिखना चाहता है। इस कारण आप देखेंगे बहुत सारे कुकुर मुत्ते की तरह क्लासेस ध्यान और अध्यात्म की चालू हो गई हैं और हर कोई दे दनादन उस पर लेक्चर दिए जा रहा है और कुछ तो भी सिखाया जा रहा है। ध्यान के नाम पर आजकल बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा है। लोग ध्यान के नाम पर कभी कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जैसे कि कोई मोमबत्ती के लो पर प्रैक्टिस कर रहा है ध्यान की। एक्चुअली वो ध्यान नहीं है, वो त्राटक है। और कुछ लोग आंखें बंद करके कहीं की कल्पना करने लगते हैं कि हम कहीं पहाड़ पर हैं, नदी के किनारे हैं और बहुत आनंद महसूस हो रहा है। एक्चुअली ये भी ध्यान नहीं है, ये मेडिटेशन नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है, यानी कि कल्पना है। और कुछ लोग किसी पॉइंट पर या किसी बात पर अपना पूरा फोकस लगाकर उसे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वो फोकस करना किसी चीज़ पर या किसी पॉइंट पर वो भी मेडिटेशन नहीं है, वो एक कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस है। हालांकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी एकाग्रता में या आपके कंसंट्रेशन में वृद्धि कर सकती हैं, नो डाउट अच्छी चीज़ है आपके दिमाग के लिए, लेकिन वो ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है और अध्यात्म क्या है? एक्चुअली ध्यान होता है हम किस अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। बड़ी विचित्र बात है, ध्यान का मतलब होता है कि आपके ध्यान में क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखना, यानी कि आपके मन में आपके अंदर में क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखना, उस पर पूरी अवेयरनेस रखना, और इसी को ही आप ध्यान के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या विचार आ रहे हैं, क्या ख्याल आ रहे हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आपको खाली उनसे देखना है, आपको उससे अटैच नहीं होना है। अगर आप अटैच हो गए तो आप उसके भी और आगे चले जाएंगे, मतलब एक विचार से दूसरे विचार से दूसरे विचार से तीसरे विचार में, इस तरह से आप विचारों की श्रृंखला में, विचारों की नदियों में बहते चले जाएंगे और ध्यान में नहीं जा पाएंगे। ध्यान का मतलब होता है कि विचारों को मिनिमाइज करना, जितना मिनिमाइज आप कर सकें उतना मिनिमाइज करना, और विचारों को देखना भी, यानी कि हमारे अंदर के पटल पर, हमारे कॉन्शियस माइंड के पटल पर क्या क्या विचार आते जा रहे हैं, आपको केवल उनको देखना है और सिर्फ देखना है, उनके साथ अटैच नहीं होना है, उन विचारों के साथ मिलकर और नए विचार पैदा नहीं करना है, ये होता है ध्यान। लेकिन अभी देखो ध्यान के नाम पर क्या क्या चल रहा है। ध्यान के नाम पर योगा करा रहे हैं, योगा के नाम पर ध्यान करा रहे हैं, और जिसको जो समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी को ध्यान करना है और सब ने एक ट्रेंड बना लिया कि सुबह उठ के ध्यान करना है। भाई ध्यान तो आप कभी भी कर सकते हो, 24 घंटे में से आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा आप ध्यान कर सकते हैं। एक घंटा तो काफी हो जाता है, इतना भी काफी एक दिन के लिए। तो ये होता है ध्यान। अब आप कृपा करके ध्यान के नाम पर भटके नहीं, ध्यान के नाम पर विभिन्न तरह की प्रैक्टिसेस ना करें, वो प्रैक्टिसेस आपको कुछ और चीज में फायदा कर सकती हैं, आपके एकाग्रता में वृद्धि कर सकती हैं, वो मैं मानता हूं, लेकिन ध्यान नहीं कर सकते। और ध्यान का उपयोग क्या होता है? ध्यान का उपयोग होता है कि हम किस तरह से अपने आप को जाने, क्योंकि अध्यात्म का मीनिंग ही वही होता है कि आत्मा की ओर, यानी कि हम अपने अंदर विराजमान आत्मा या चैतन्य के प्रति जागरूक हो जाएं और उसको जान लें। उस जानने के लिए हम लोग ध्यान में जाते हैं, क्योंकि जब तक मस्तिष्क के पटल पर विचारों की श्रृंखला चल रही है हम उस अपने अंतरतम को नहीं जान पाते हैं। जब ये श्रृंखला मिट जाएगी तब आपको इस पर्दे के पीछे, अपने दिमाग के पर्दे के पीछे अंदर बैठा हुआ अपना स्वत्व का दर्शन होगा। ये होता है अध्यात्म, जो हम खोज करते हैं अपने आप की। तो अब मुझे ऐसा विश्वास है कि आप ध्यान और अध्यात्म के बारे में जो कन्फ्यूजन चल रहा है उनके भेद को समझ गए होंगे, और असली ध्यान के लिए अब आप
जागरूक हो गए हैं, बस ध्यान करिए और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।